अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं मेरी फेवरेट रेसिपी जो कि फलियों की है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रेसिपी ऑफ विंटर जो कि मैं बहुत शौक से अपने घर के अंदर बनाती हूँ। फलियाँ साथ में बेसन की रोटी और दही, बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है इसका, और आप लोग ज़रूर इसको मेरी रिक्वेस्ट पे जो है वो ट्राई कीजिएगा। लहसुन को जो है वो पहले आपने बारीक चॉप कर लेना है, एक पूरी लहसुन की आपने लेनी है, और फिर इसको उस बारीक से चॉप करके आपने इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, साथ में हल्दी और जो भी मसाले आपने मज़ीद एडिशनल ऐड करने हैं वो डालने हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे अच्छा फ्लेवर जो है वो लहसुन का आना चाहिए फलियों के साथ। फलियों को आप बॉयल कर सकते हैं, बॉयल करने के बाद जो भी उसके एक्स्ट्रा साइड के जो धागे वगैरह निकलते हैं वो आपने निकाल के ऊपर से नमक डाला, और इसको इतना अच्छा फ्राई करना है कि लहसुन जो आपने फ्राई किया था ब्राउन ब्राउन सा, उसका जो फ्लेवर है वो पूरे फलियों के अंदर मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। लेकिन इसका कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा दही के साथ जो है वो मज़े का लगता है, और आप इसको जब भी खाएं तो बेसन की रोटी आपकी हो, थोड़ा सा उसमें हल्का सा देसी घी लगा हुआ हो, और ऊपर से जो है वो आपने थोड़ी सी 2 टेबल स्पून जो है वो दही डाली है। यहाँ पे ये जो है मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर रही हूँ, फ्राई इसलिए कर रही हूँ ताकि ये जो हमने मसाला पूरा बनाया था वो अच्छे तरीके से फलियों के अंदर चला जाए। और आपने थोड़ा सा इसको स्पून से जो है वो थोड़ा सा प्रेस भी करना है कि क्योंकि मैंने साबुत फलियाँ रखी हुई हैं, अगर आप इसको तोड़ के इस्तेमाल करना चाहें क्योंकि ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं इन द एंड कि आप इसको बहुत ईजिली खा सकते हैं। साथ में मैं इसके बना रही हूँ बेसन की रोटी, और ये जो है आप यकीन करें आप इसको खाएं, आई डोंट नो कि आप लोग का टेस्ट कैसा है या आप लोग को कैसा फ्लेवर पसंद है, लेकिन ये सर्दियों का देसी और बड़ा ज़बरदस्त गज़ाइत भरपूर जो है वो मील है, और मेरा तो इसलिए फेवरेट है कि मेरे अपने घर में जो है ये विंटर्स में बनता है। क्योंकि मेरी ये थिंकिंग है कि सीज़न के हिसाब से अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो चीज़ें बनाई हैं हम उन सब चीज़ों को टेस्ट करें और अपनी रेगुलर रूटीन का हिस्सा बनाएं। और अब मैं इस पे देसी घी लगा रही हूँ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितनी भी वीडियोज़ आएँ उनको लाइक करें, शेयर करें, और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर